गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट टू का क्वेश्चन नंबर एफ तक, क्वेश्चन नंबर ई तक पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अंडरलाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ नंबर दिए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है डिजिट का, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है इंडियन सिस्टम। देखिए प्लेस वैल्यू क्या आएगा, वंस टेंस हंड्रेड, 100% है, यानी प्लेस वैल्यू 700 होगा। प्लेस वैल्यू 7 का 100 पढ़े 700, इसको इंडियन सिस्टम में इसे नंबर नेम में लिख दीजिएगा 700। वैसे ही देखें यहाँ, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, लाख 10 लाख, 10 लाख पर 7 है, तो यहाँ लिखिएगा 100,000, 10,000, लाख 10 लाख, यानी 70 लाख। यहाँ लिखिएगा प्लेस वैल्यू इसका 70 लाख। ऐसे यहाँ भरेंगे, ऐसे जितने अंडरलाइन किए हुए उस डिजिट का प्लेस वैल्यू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिख देंगे। यहाँ देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन ईच ऑफ द न्यूमरल्स ऑफ प्रॉब्लम एफ। एफ में जो दिया गया है जो नंबर, इसी में सब का 7 का ही, सिर्फ 7 का ही प्लेस वैल्यू निकालना है यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से। जैसे इसी का देख लीजिए, 7 लाख, 70 लाख है, इसी का देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, तो क्या लिखेंगे उससे, 7 मिलियन। इंडियन सिस्टम में उसी का प्लेस वैल्यू 70 लाख आया, इंटरनेशनल सिस्टम में 7 मिलियन। क्वेश्चन नंबर एच देखिए, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। जितने नंबर दिए हैं उनको प्रेडिसेसर यानी एक माइनस करके लिखेंगे, सक्सेसर यानी एक प्लस करके लिख देंगे, प्रेडिसेसर सक्सेसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में पिछले वीडियो में बताए हुए थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। प्लस 0,0 छोड़ दीजिए, 100,000, 3,000, प्लस 400, प्लस 50, वंस पे भी नहीं है कुछ, ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। जे नंबर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द शॉर्टकट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है उन्हें शॉर्टकट में लिखना है, यानी नंबर में लिखना है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, करोड़ पे 5 है, इसका तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, लाख 10 लाख, 10 लाख पे 2, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, लाख, लाख पे 3, ऐसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, 10,000 पर 1, 1,000 पर 6, 539।
ऐसे ही बना लेंगे। इसमें जरा देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़ टेन करोड़ टेन करोड़ पे यानी एट्टी करोड़। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख लाख दिया, टेन लाख नहीं दिया, टेन लाख पे जीरो बैठा देंगे, उसके लाख, उसके बाद वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड दिया, टेन थाउजेंड नहीं दिया, टेन थाउजेंड के जीरो, फाइव, फिर हंड्रेड नहीं दिया हुआ है, हंड्रेड के जगह भी जीरो, अब प्लस फिफ्टी, बस यही नंबर हो जाएगा। जी नंबर हो जाएगा के नंबर। देखिए राइट ट्रू फॉर ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। वन करोड़ इज सक्सेसर ऑफ 99 लाख 99,999। देखिए जरा, देखिए 99 लाख 99,909 में उसका सक्सेसर वन यानी प्लस कीजिए, टेन जीरो 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 टेन, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़, वन करोड़ आ जा रहा है, यानी 999,999 का सक्सेसर वन करोड़ ट्रू होगा। दूसरा देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेवन डिजिट, ये भी ट्रू होगा। सिक्स डिजिट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर सेवन डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का एक कम होगा, एक नंबर कम होगा यानी प्रेडिसेसर होगा, ट्रू होगा। वन मिलियन इज इक्वल टू वन लाख, वन मिलियन लिखिए तो जरा, वन टेन थाउजेंड लाख, मिलियन, वन मिलियन हो गया। इसको जरा इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख, टेन लाख होगा। तो यहाँ का वन मिलियन इज इक्वल टू वन लाख यानी फॉल्स है, वन मिलियन टेन लाख के बराबर है, यहाँ फॉल्स लिखेंगे। वन करोड़ एंड वन मिलियन आर बिलियन आर इक्वल, वन करोड़ और वन बिलियन इक्वल है, जरा वन करोड़ लिखते हैं, वन करोड़, वन करोड़ हो गया। पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन, नहीं एक बिलियन के बराबर नहीं है, टेन मिलियन के बराबर है, तो ये भी फॉल्स है। द प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम इज टेन टाइम्स द वैल्यू ऑफ द प्लेस जस्ट टू राइट ऑफ इट, यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसके राइट साइड में जो नंबर होता है उसका वो दस गुना होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए टेन टेन थाउजेंड है, टेन थाउजेंड के राइट साइड में वन थाउजेंड है और वन थाउजेंड का ये दस गुना है। उसी तरह मान लीजिए टेन थाउजेंड को लेते हैं, इसके राइट साइड में हंड्रेड है, हंड्रेड का ये दस गुना है वन थाउजेंड, इसी तरह सबका। मिलियन लीजिए, मिलियन या मिलियन जो है हंड्रेड थाउजेंड का दस गुना है एक मिलियन, सभी अपने राइट साइड का जो नंबर होता है उसका दस गुना रहता है, यही करा यानी ट्रू होगा। यहाँ पे यहाँ ट्रू भरेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स। वन करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन, वन करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो वन करोड़ पहले लिखेंगे, करोड़, वन करोड़ हो गया। वन करोड़ में कितने मिलियन होंगे जरा देखिए, वन करोड़ में कितने मिलियन, वन करोड़ लिख दिए बाय मिलियन, वन मिलियन देखिए, वन मिलियन लिख दिए, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन, वन मिलियन, वन
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी 6 0 से 6 0 कट गया, इक्वल टू कितना बड़ा बचा 10, यानी 10 मिलियन होगा, यानी 1 करोड़ में 10 मिलियन। उसी तरह देखिए 10 मिलियन में कितने 1000 होंगे, तो 10 मिलियन से 1000 पे डिवाइड करेंगे, टेन मिलियन हो गया, 10 मिलियन में 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 1 10 100 1000 10 100 1000 10 1000 100 1000 मिलियन 10 मिलियन है, 1 10 100 1000 10000 10000 1000 1000 होगा। ऐसे ही करके सब बना लेंगे, 10 लाख इक्वल टू 100 मिलियन, यानी 100 मिलियन में 1 लाख से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना ही लाख हो जाएगा, इसको बता दिए हैं। 10 लाख इक्वल टू 10 मिलियन, यानी 10 लाख में 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वहाँ भर देंगे। 10 लाख इक्वल टू 1 करोड़, यानी 1 करोड़ में 1 लाख से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना ही लाख होगा, उतना ही भर देंगे। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर FGHIJKL, L तक बनाना है।